जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम आज था आप लोगों का, जिसमें बेसिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आप लोगों ने करे होंगे, एग्जाम्स में किए होंगे, तो उसी का ही एनालिसिस और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस का सलूशन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे किए उसमें से आप लोग एटलीस्ट चेक कर पाएँ, एटलीस्ट आप लोग चेक कर पाएँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक हुए हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को बेसिक इंजीनियरिंग में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि इसमें आप लोगों की सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी, राइट। तो इसी में ही सिविल का जो सोल्यूशन है, सिविल के जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हैं, जिससे कि लास्ट में आप लोग सम अप करके देख लो कि हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे राइट हैं, राइट। चलिए तो देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम था जिसमें कि अगर बेसिक इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 2 घंटे का टाइम आपको अलॉटेड था, जो कि 120 मिनट्स मैं आप लोगों ने करना था, राइट। तो इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आप क्वेश्चंस की कौन कौन से आपके सिविल के क्वेश्चंस थे और किस तरीके से आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आप इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से देखो बोला गया है, ठीक है, आप लोगों से बोला गया है, व्हेन 10 mm ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर ऑन द ग्राउंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर मार्क करा आप लोगों ने। देखो, सिविल का ही क्वेश्चन है और सारे सिविल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो देखो, 10 mm का आप लोगों का बोला गया है कि 10 mm का जो है आपका वो किस में आपके 10 मीटर मैप में आपको नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आप लोगों को पता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस में अगर हम लोग कहते हैं तो दोनों ही चीज़ को जो आपकी मैप में रिप्रेजेंट हो रही है, चाहे आप लोग उसे फील्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों का रेशियो अगर आप लोग लेके चले तो आप लोग आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहीं पे देखो, अगर आप दोनों की सेम यूनिट को रखोगे तो क्या आएगी आप लोगों की, बताइए। अगर देखो, मैप में आपका 10 mm रिप्रेजेंट हो रहा है और ग्राउंड में कितना हो रहा है, 10 मीटर आप लोगों का रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की अगर बात करें तो 10 mm अपॉन, अगर आप 10 × 1 मीटर में आपके 1000 mm होते हैं, राइट। तो दोनों की यूनिट सेम हो गई, तो आपको आपका क्या आ रहा है यहाँ से, 1/1000 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जब आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आगे चलते देखो, अगर हम आगे चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ को अगर हम लोग चले, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन है भाई, बेसिक में आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आंसर करेक्ट होगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का बोला गया, देखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स जैसे कि आप लोगों का वैलीज, रिवर्स, लेक्स, इन सब में हम लोग कौन सी सर्विंग को जनरली प्रेफर करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। आप खुद सोचो, जब वैली, रिवर्स, लेक्स, इन सब की बात हो रही है, इनके नेचुरल फीचर्स की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, टोपोग्राफिकल सर्वे आप लोगों का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे देखो, अगर कैडस्ट्रल की बात करते हैं तो जब हमें किसी की लैंड प्रॉपर्टी की क्या करनी होती है, उसकी प्रॉपर्टी को जानना होता है, तो जनरली हम कैडस्ट्रल सर्वेइंग को यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो, यहीं पर हम लोग अगर देखें तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करो, ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों को ही रिस्पॉन्स करो बेसिकली। लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। देखो, आप लोगों से आईएएस कोर्स से पूछ लिया है, एक क्वेश्चन जरूर बनना था आईएएस कोर्स से और वो क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईएएस कोर्स डिड गिव्स द सेरेमिक टाइल क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, तो बताओ कौन सा आईएएस कोर्स में आप लोगों ने आंसर मार्क किया। थर्ड क्वेश्चन की बात करिए तो कौन से आंसर्स को मार्क करके आए आप लोग, तो देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जाएगा आईएएस कोर्स 13712 1993, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर। अब देखो, यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन ओपीसी, तो ओपीसी सीमेंट में सारी रेंज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे लाइम की बात कर लो, चाहे सिलिका की बात कर लो, चाहे मैग्नीशिया की बात कर लो। और जब आपसे आयरन ऑक्साइड की बोला गया, आपको पता है आयरन ऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बताओ, इस ऑप्शन को मार्क करोगे, इसको मार्क करोगे, या सिलिका की रेंज को आंसर कर दोगे, राइट। ये तो सिलिका की रेंज आप लोगों की नजर आती है। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो जाएगा आपका 0.526% हम लोगों को आयरन ऑक्साइड की रेंज नजर आती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए, अब देखो आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों को यूनिट पूछी गई है, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के सिविल के हैं, आप लोगों को दिख भी रहे हैं, राइट। तो क्या आंसर करोगे इसका बताइए। देखो, बोला गया है एमकेएस यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स फॉर रिमूवल ऑफ कलर पेंट्स ऑफ वार्निश ऑफ अ बिल्डिंग, कलर पेंट्स, वार्निश, इन सब की अगर हम रिमूवल की बात कर रहे हैं
तो जनरली कौन सी यूनिट से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या आंसर किया आप लोगों ने वहाँ पे पेपर में, नंबर क्यूबिक मीटर, लीटर या स्क्वायर मीटर, कौन से ऑप्शन को करेक्ट करके आए बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आंसर मार्क करके आप लोग, देखो अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आंसर क्या जाएगा, स्क्वायर मीटर आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, देखो ये तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात हुई, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मोह स्केल, आपको पता है मोह स्केल किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, हम हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा मिनरल की हमारी सबसे कम हार्डनेस होती है, जिप्सम, सैंडस्टोन, कैल्साइट या टैल्क। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि टैल्क, टैल्क की हमें हार्डनेस नंबर, अगर हम हार्डनेस स्केल पे नंबर देखेंगे तो 1 हमें नज़र आता है। हम लोग कहते हैं जनरली ये इजीली हम लोग इसको स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टैल्क कहते हैं, राइट। तो मोह स्केल ऑफ हार्डनेस में आपने ध्यान रखना है कि सबसे लीस हार्डनेस किसकी होती है, टैल्क की होती है। यहीं पर अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि जिप्सम की कितनी होती है तो आप लोग बोलोगे कि जिप्सम की कितनी होती है, 2 होती है, राइट। जिप्सम की क्या होती है, 2 होती है। अगर कैल्साइट की आप लोगों से बोला जाए कि हार्डनेस नंबर वैल्यू क्या होती है तो हम लोग कहते हैं 3 होती है। जिप्सम की 2 होती है, कैल्साइट की 3 होती है। सबसे हार्डनेस मिनरल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे हार्डनेस मिनरल कौन सा होता है, आपका डायमंड होता है, और डायमंड की कितनी हार्डनेस नंबर आती है आपको, 10 नंबर आपको नजर आता है, राइट। अगर हम लोग क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज में हम लोग क्या कहते हैं कि क्वार्ट्ज की कितनी नज़र आती है, 7 नज़र आती है। तो ये तो सारी आपकी वैल्यूज़ हैं जो कि जनरली आप लोगों को याद होनी चाहिए, राइट। इसी में ही हम लोग किसकी बोलते हैं, टोपैज की बोलते हो आप लोग, किसकी बोलते हो आप लोग, टोपैज की। तो टोपैज की बोलते हैं, तो टोपैज की बेसिकली हमें 8 नज़र आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता ही होने चाहिए। इसी तरीके से हम एपेटाइट की बोलते हैं तो एपेटाइट की आप लोगों को 4 नज़र आती है। अगर हम लोग एपेटाइट की बोलते हैं तो एपेटाइट की हमें 4 नज़र आती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, क्वार्ट्ज 8, डायमंड 10, कैल्साइट 3, जिप्सम 2, एपेटाइट 4। अगर यहाँ पे सबसे लीस्ट कौन है आपका, टैल्क, टैल्क की आपकी हार्डनेस वैल्यू 1 नज़र आती है, राइट। जब हम लोग मोस्ट हार्डनेस स्केल में इसकी वैल्यू को देखते हैं, हम कहते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से स्क्रैच हो जाता है ये टैल्क की जब हम बात करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताओ कैसे आंसर करोगे इसमें। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, एक मटीरियल की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, देखो स्वेलिंग आपको किसी भी मटीरियल की उसकी अपनी स्वेलिंग नजर आएगी कि वो कितना स्वेल हो रहा है। उसकी अपनी क्या वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, पानी को एब्जॉर्ब करने की उसकी क्या कैपेसिटी है, ये आप लोगों को वाटर एब्जॉर्प्शन में नजर आएगा, राइट। उसकी क्या बल्क डेंसिटी है, ये भी उसकी खुद की डेंसिटी से आप लोगों को पता लगेगा, ये उसकी क्या है, अपनी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो कौन सी नहीं है, एब्रेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एब्रेशन आपको क्या नज़र आएगा, 2 बॉडी से ही आपको एब्रेशन नज़र आएगा। या हम लोग इस एब्रेशन वैल्यू की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, जनरली एक तरीके से जब आपने एग्रीगेट की एब्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आप उसमें क्या डालते थे, जब हम लोग लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू निकालते थे और जब हम लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट करते थे तो हम उसमें देखते थे आप एग्रीगेट डाल रहे हैं, देन आप उसमें स्टील की बॉल्स डाल रहे हैं, तब हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली रबिंग एक्शन देख रहे हैं, राइट। तो वो आप लोगों का कहलाता है एब्रेशन, और यही हमारा क्या है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में सम्मिलित नहीं है, नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स, क्लियर। चलिए तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन, इसको आंसर करो कि आप लोगों ने क्या आंसर मार्क किया। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज फॉर ड्रेसिंग स्टोन, अगर हम देखें कि कौन सा टूल यूज नहीं होता जब हम ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, वो भी स्टोन की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो बताइए स्टोन की ड्रेसिंग में हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, रिस्पॉन्स करें सभी लोग, ठीक है। तो देखो हम लोगों से क्या बोला गया है कि फेस हैमर को यूज़ नहीं करते, मैलेट को यूज़ नहीं करते, क्राउच चिजल्स को यूज़ नहीं करते, पॉइंट चिजल्स को यूज़ नहीं करते। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्वेरिंग से ही हमें स्टोन नजर आया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें कटिंग वगैरह करते हैं, उसको प्रॉपर साइज़ और शेप हम लोग देते हैं। जब हम स्टोन की बात करते हैं तो उसको प्रॉपर साइज़ और शेप में देना ही हमारा क्या कहलाता है, ड्रेसिंग कहलाता है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें हम लोग कौन सा यूज़ नहीं करते, कौन सा टूल यूज़ नहीं करते। तो देखो फेस हैमर को यूज़ करते हैं आप, क्राउच चिजल्स को यूज़ करते हो, पॉइंट चिजल्स को आप यूज़ करते हो, तो किसे नहीं करते हैं हम लोग, मैलेट को हम लोग यूज़ नहीं करते। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। तो आप देखना कि आप लोगों ने क्या मार्क किया। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चन बिल्कुल। देखो बेसिक का मतलब था कि सारी ब्रांचेस के लिए यही पेपर आपका आना था,
तो उसी बात का बहुत अच्छे से एग्जामिनर ने ध्यान दिया है। अब वही क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं जो एकदम बेसिक है कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपने सिविल पढ़ी है तो आप लोग आंसर मार्क कर ले जाओगे। देखो इसमें बोला गया विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत ऑप्शन है बोला गया। तो देखो ए ऑप्शन में देखें तो पिच इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्री। देखो जनरली हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो पिच हम लोगों को सबसे मिड पे नजर आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, राइट, पिथ कहते हो आप लोग। फिर इसमें आप लोग देखते हो कि इतनी सारी जो ये रिंग्स आपको नजर आ रही है इसको हम लोग एनुलर रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग इसको, एनुलर रिंग्स कहते हैं। और जब इस एनुलर रिंग्स की आप बात करोगे तो ये एनुलर रिंग्स हमारी जनरली क्या इंडिकेट करती है, हमारी जो ट्री है उसकी लाइफ को इंडिकेट करती है। अगर एक एनुअल रिंग क्या इंडिकेट कर रही है कि वन ईयर को इंडिकेट कर रही है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो सेंटर मोस्ट पोर्शन होता है उसे पिथ कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करते हैं तो इसे हम लोग हार्टवुड कहते हैं। क्या कहते हो आप लोग इसे, हार्टवुड हम लोग इसे बेसिकली कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कहें तो हमें क्या नज़र आती है, हमें क्या नज़र आती है, शेफवुड नज़र आती है, राइट। उसके बाद आप देखते हो कि लास्ट में अगर हम लोग कहें तो लास्ट से पहले वाली जो रिंग आपको नज़र आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कैम्बियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हो आप लोग उसे, कैम्बियम लेयर आप लोग उसे बोलते हो, राइट। और जब सबसे लास्ट की अगर हम बात करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन है आपकी ट्री का, क्रॉस सेक्शन है बेसिकली, ठीक है, तो लास्ट में जो हम लोगों को नजर आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क आप लोग बोलते हो। और इन सबको जो होल्ड करने का काम कर रही है, जो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपको जो ये नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको सबको जो होल्ड कर रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मेडुलरी रेस बोलते हो आप लोग इसे। क्या बोलते हो इसे आप लोग, मेडुलरी रेस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, ठीक है। आप लोग तो अब पेपर करके ही आए हैं तो डेफिनेटली कुछ तो सही किया ही होगा आपने, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। अब बताओ कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ये तो आपका पूरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें अगर हमसे आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है तो बताओ, देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो एनुलर रिंग है वो ये एग्जामाइन करती हैं कि टिम्बर डिफेक्ट है, ये कहाँ बताती है बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी हम लोगों को ये नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी एनुलर रिंग्स हैं और ये रिंग्स क्या कर रही हैं, लाइफ इंडिकेट करती हैं, तो डिफेक्ट तो इंडिकेट करती नहीं है। ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट ही बोला है तो इसका मतलब फिर यही करेक्ट ऑप्शन है, राइट, क्योंकि आपको पता है एनुलर रिंग्स क्या करती हैं, लाइफ इंडिकेट करती हैं, ना कि डिफेक्ट। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देखो क्या आंसर होना चाहिए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस आप लोगों से बोला गया है ऑफ टू और हाफ ब्रिक। अगर दो और हाफ ब्रिक की आप लोग वॉल बना रहे हैं तो आपको क्या अप्रोक्सीमेट थिकनेस नजर आती है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो आंसर क्या जाना चाहिए। तो देखो इसका आंसर जाएगा 19.685 इंच, राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आपसे बोला गया आर्गनेशियस रॉक है, इसमें प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है। देखो आप सभी लोगों को पता है रॉक का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके की रॉक आप लोगों के पास आती है, एक है सिलिशियस, एक है आपका कैल्क्रियस और एक है आप लोगों का आर्गनेशियस। और जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आर्गनेशियस तो आपको क्या लगता है बताओ, कौन सा ऑप्शन आपकी नज़र में करेक्ट होना चाहिए। सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई, 11 क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें आर्गनेशियस रॉक में हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है आपका, या तो क्ले कह दो या तो हम एलुमिना कह सकते हैं जब हम आर्गनेशियस रॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग आर्गनेशियस के टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्लेट हो गया, ठीक है, लेटराइट्स हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आर्गनेशियस रॉक में हमारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन हमने कर लिया, 11 कर लिया, अब 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग विल यू रिकमेंड फॉर पेंटिंग इंटरनल वॉल। अब जब हम इंटरनल वॉल में पेंटिंग कर रहे हैं तो जनरली हम लोग कौन से पेंट को प्रेफर करते हैं, कुछ ये पूछ रहा है आपसे, तो बताओ लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इमल्शन या इनेबल। ध्यान रखेंगे एक डिस्टेंपर भी हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंपर से आप लोगों को पता है कि हम लोग इंटरनल वॉल में ही यूज़ करते हैं जो कि एकदम से आपकी क्या नहीं है, वेदर के साथ एक्सपोज नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपको बोला गया विल यू रिकमेंड पेंटिंग इंटरनल वॉल, तो राइट आंसर आपका जाएगा इनेबल। क्या जाएगा, इनेबल आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट, विच ऑफ दी फॉलोइंग विल यू रिकमेंड फॉर पेंटिंग इंटरनल वॉल, सॉरी इमल्शन आप लोगों का ज़्यादा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन का अगर आप लोग मार्क करोगे तो इमल्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर। आगे चले नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करे जो कि सिविल से हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, लीजिए।
इस क्वेश्चन को आंसर करो. द हाइड्रोग्राफ रन ऑफ की बात की गई है ड्यू टू 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट फॉर यूनिट ड्यूरेशन के लिए बोला गया है और आपकी 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल है. आपका बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल है और उसमें यूनिट ड्यूरेशन आप लोगों को नजर आ रहा है. तो जनरली इस हाइड्रोग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? यूनिट हाइड्रोग्राफ, रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ या स्ट्रोम हाइड्रोग्राफ. ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल आपकी बोल रखा है, यूनिट ड्यूरेशन की बात कर रहा है. तो आंसर क्या जाएगा? ये हमारा आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है. और यूनिट हाइड्रोग्राफ की अगर हम बात करते हैं कि क्या एजम्पशंस आप लोगों को नजर आते हैं, तो हम लोग कहते हैं टाइम इनवेरियंस और लीनियर रिस्पॉन्स हम लोगों को बेसिकली यूनिट हाइड्रोग्राफ में नजर आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, देखो सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज कॉल. बोला गया कि कौन सा यहाँ पे मॉइस्चर आपका सॉइल में ऐसा प्रेजेंट होता है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ होती है. तो आप लोगों को पता है कि ग्रेविटी वाटर तो आपका सीधा पानी आपका मूव आउट होकर आपको पता है कि सीधा वाटर टेबल को ज्वाइन कर जाता है. जितना भी वाटर है सारा के सारा आपका वाटर टेबल को ज्वाइन कर जाता है. और हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करें तो ये तो वैसे भी क्या रहता है आपका अनअवेलेबल वाटर रहता है. क्या रहता है? अनअवेलेबल वाटर रहता है. मतलब कि ये तो प्लांट्स ले ही नहीं पाते हैं अनअवेलेबल वाटर. तो फिर कौन सा वाटर रह गया? फिर कैपिलरी वाटर ही रह गया. ठीक है, जिसे प्लांट क्या करते हैं अपनी ग्रोथ में क्या कर रहे हैं, इस प्लांट इस वाटर को यूज़ कर रहे हैं. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा. क्लियर? चलिए आगे अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 16 क्वेश्चन. ठीक है, 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन ये दोनों ही आपके सिविल के क्वेश्चन है. आंसर मार्क करो इस क्वेश्चन का. क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? या आप क्या करके आए हो? पहले तो आप करके क्या आए हो, क्योंकि अब तो ये पेपर का सोल्यूशन हो रहा है बेसिकली. तो देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है. फर्स्ट बोला गया है कि क्ले विच कंटेन्स केओलिनाइट हैज एन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ 0.4. बिल्कुल सही बात बोली है. एक्टिविटी वैल्यू की वैल्यू आपकी 0.4 होती है जब हम केओलिनाइट की बात करते हैं. उसके बाद इलाइट होता है, मोंटो मोनिलोनाइट होता है, तो उसकी तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास होती है. नेक्स्ट बोला गया है कि लुईस इज अ सॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर विंड बोर्न सॉइल. बिल्कुल सही बात. आपको पता है कि अगर हम लोग लुईस सॉइल की बात करते हैं तो लुईस सॉइल आपकी कैसी है? विंड से डिपॉजिट होती है. राइट, तो जब ये विंड से डिपॉजिट होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जनरली इस तरीके की सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं कि ये सिल्ट डिपॉजिट सॉइल है आपकी. क्या है? सिल्ट डिपॉजिट सॉइल है. क्योंकि लुईस में आपको किसके पार्टिकल्स नज़र आते हैं? जनरली सिल्ट के नज़र आते हैं. अगर आपसे पूछे कि ये और हम लोगों को लुईस में क्या नज़र आता है, तो हम बेसिकली कहते हैं कि जो लुईस सॉइल होती है आप लोगों की, वो सबसे ज़्यादा कोलैप्सिबल सॉइल होती है. क्या होती है आपकी? कोलैप्सिबल सॉइल होती है. कोलैप्सिबल सॉइल का मतलब क्या होता है कि इसमें एकदम से सडन आपका वॉल्यूम क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है. ये भी करेक्ट है. देखो ये भी करेक्ट है. अब इसमें और इसमें हमने देखना है कि कौन सा है. देखो, एक्टिविटी ऑफ क्ले इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल टू द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स इन हैविंग अ साइज लेस देन 2 माइक्रोन. बिल्कुल सही बात. एक्टिविटी आप लोगों की क्या होती है? आईपी होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है, अपॉन क्या होती है? परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रोन. तो एक्टिविटी की वैल्यू तो इसने बिल्कुल सही बोली है, यही ही होती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. आप लोगों को पता होना चाहिए अगर एक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 होती है तो हम लोग उसे एक्टिव सॉइल कहते हैं. क्या कहते हो आप लोग उसे? एक्टिव सॉइल कहते हो. राइट, इसी तरीके से इनएक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिविटी अगर लेस देन 0.75 होती है तो उसे आप लोग इनएक्टिव में रखते हो. क्या रखते हो? इनएक्टिव में. ठीक है, अगर लेस देन 0.75 होती है, और इसी तरीके से 0.75 से 1.25 के बीच में होती है तो उसे आप क्या कहते हो? नॉर्मल सॉइल कहते हो. क्या कहते हो? नॉर्मल सॉइल. तो देखो एक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 एक्टिव सॉइल, 0.75 से 1.25 नॉर्मल, लेस देन 0.75 इनएक्टिव. जब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो फिर रॉन्ग कौन है? ये है. लुईस इज अ सॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले से नहीं मिलती है हम लोगों को, इसलिए यही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है. राइट, बाकी देखो एओलियन सॉइल विंड डिपॉजिट होती है, उसी में आपको लुईस नज़र आती है जो विंड डिपॉजिट होती है, जिसमें आपकी सिल्ट के पार्टिकल्स हम लोगों को नज़र आते हैं. कोलैप्सिबल सॉइल में से शामिल किया जाता है. बाकी तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड सी स्टेटमेंट और आपका डी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये तो आपके क्या है? करेक्ट है. तो रॉन्ग क्या है? ऑप्शन नंबर बी. क्लियर, चलिए आगे देखो. अगर बात करते हैं 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या नज़र आता है? देखो, इफ द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम इज लेस देन द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज कॉल्ड.
आंसर क्या करोगे बताइए। देखो कुछ ऐसा कहा जा रहा है आपसे कि जो एक्स की वैल्यू है ये क्या है, लेस देन है किससे, आपकी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है। तो आप किस तरीके की बीम इसे भी जनरली कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है किस तरीके की बीम आप लोग इसे जनरली कहते हैं। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, ओवर रेनफोर्स बीम कहते हैं, ओवर रेनफोर्स बीम। अब जब इस ओवर रेनफोर्स बीम की हम बात करते हैं और अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवर रेनफोर्स बीम में आपको किस तरीके का फेलियर नज़र आएगा, तो आप लोग बोलोगे कि जनरली ओवर रेनफोर्स बीम में हमें ब्रिटल फेलियर नज़र आता है। क्या नज़र आता है, ब्रिटल। और आप मुझे एक बात बताओ कि जब इसमें हम लोगों को ब्रिटल फेलियर नज़र आता है तो क्या ये आपको पहले वार्निंग देगा, नहीं देगा। तो हम लोग कहते हैं कि इस तरीके का फेलियर नज़र आता है जिसमें हमें वार्निंग नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवर रेनफोर्स बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या, द प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस इज नोन एज, मतलब कि प्लेटफॉर्म एंड हो रहा उसके बाद हम लोगों को क्या नजर आता है, लैंडिंग स्टॉप थ्रेट या राइज। देखो ऐसा कहा गया, ये है आपकी, देखो ये आपकी स्टेप्स है, ये क्या है आपकी सीरीज ऑफ स्टेप्स, इसमें आप लोग चल रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ हैं एक तरीके से। तो उसके बाद जो एंड पे हम लोगों को नजर आता है जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग प्लेस एक तरीके से, आप सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हैं चढ़ते जा रहे हैं, फिर आप देखते हैं कि एक स्पेस नज़र आता है, या तो इसको रेस्टिंग स्पेस आप कह सकते हो, या हमारी जो हमारी सीढ़ियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो इस तरीके का जो स्पेस होता है, तो हम कह रहे हैं कि जो ये आपकी फ्लाइट है जिसमें आपके स्टेप्स ही स्टेप्स स्टेप्स ही स्टेप्स हैं, इसके एंड पे हमें क्या नज़र आता है, तो देखो थ्रेड तो नज़र आ नहीं सकता, क्योंकि देखो थ्रेड क्या होता है, ये आपका राइस होता है, ठीक है, जो आपको वर्टिकल नज़र आता है, और ये आपका थ्रेड होता है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। रही बात इसकी, लैंडिंग आपका होता है, स्टॉप कोई वर्ड ही हमारा यूज़ नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्या बोलोगे इसे आप, लैंडिंग। या तो क्या है, आप चढ़ते जा रहे हो, देन आप देखते हो कि स्पेस खाली होता है, या तो वहाँ से स्टेयर्स आपकी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, या हम उसे रेस्टिंग प्लेस भी बोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हो, लैंडिंग बोलते हो, क्लियर। चलिए तो 18 क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पे ओवर होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिविल का आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन द रेशियो ऑफ फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर इज, फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर का रेशियो क्या होता है, क्वेश्चन बोल रहा है जब आप मैक्सिमम फ्लो अकर्स कर रहा है आपके किसमें, एक्स शेप सीवर में, तो आंसर क्या करोगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन ये पूछा है आप लोगों से। तो देखो एक्स शेप सीवर की अगर हम बात करें तो कहाँ पे हम लोग इसे प्रोवाइड करते हैं, जनरली कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे प्रोवाइड करते हो आप लोग, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में बेसिकली हम लोग इसे प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि बेसिकली आप लोग इसे क्यों प्रोवाइड करते हो, इसलिए प्रोवाइड करते हो कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या हो सके, मेंटेन हो सके, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, 0.95 आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा, अगर रेशियो ऑफ फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर की बात की जाए तो 0.95 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जब हम 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट तो देखो आप इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए जाएंगे, उसकी टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, लेकिन सिविल की पोर्शन में आप लोगों को कंप्लीट करा दी, ठीक है। आगे इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका है 54 नंबर का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो देखो ये रेनॉल्ड्स नंबर आप लोगों से बोला गया है कि रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन करो, तो इसमें तो आपकी कोई गलती होनी नहीं चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर तो इजी सा ही क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर आपका, होता है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, क्या होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है, राइट, ठीक है। और जब इनर्शिया टू ग्रेविटी फोर्स की बात करें तो फ्राउडीज नंबर हो जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। नेक्स्ट देखो, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ, तो आंसर जाएगा आप लोगों का विस्कस फ्लो, क्या जाएगा आपका विस्कस फ्लो आप लोगों का आंसर जाएगा। आगे चलते हैं, देखो ये स्टील का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है देखो बिल्कुल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बोला गया है, व्हेन थिकनेस ऑफ प्लेट इज 36 mm देन डायमीटर ऑफ रिवेट इज यूज,
आप लोगों को थिकनेस दे रही है 36 mm और क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है कि रिविट का डायमीटर क्या होगा। तो देखो आप लोगों को पता है कि डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, डी इज इक्वल टू अनविन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 6.01 अंडर रूट ऑफ टी आता है। किसके अकॉर्डिंग? अनविन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अनविन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को पता है जब इस तरीके से हमें नजर आता है तो 6.01 अंडर रूट ऑफ टी कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। 36 का अगर आप रूट बाहर लोगे तो अंडर रूट ऑफ रूट का क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। और 6.01 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा बताओ? 6.01 मल्टीप्लाई बाय 6 आप लोगों का आ रहा है 36.06 mm। और जब 36.06 mm आ रहा है तो बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 36 mm करेक्ट है, राइट। तो आपको पता है कि अनविन फॉर्मूला में क्या होता है, डी इज इक्वल टू 6.01 अंडर रूट ऑफ टी होता है और टी को आप लोग mm में पुट कर रहे हो। तो वैल्यूज को आप पुट करोगे, 36 का रूट लोगे 6 आ जाएगा और 6.01 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 6 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36.06 mm आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी आपको? तो 56 क्वेश्चंस भी आपका कवर होता है। आगे चलते हैं, सिविल का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 72 नंबर पे पूछा गया है। जस्ट वेट, नंबर का क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है। लीजिए, सर्वेइंग का क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर करो, आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? देखो आप लोगों से बोला गया है कि कॉन्स्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स। अगर हम ये कंटूर है आप लोगों का, ये कंटूर है, क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस। क्या बोला गया है? ये वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कंटूर लाइंस है आप लोगों की, ये क्या है? कंटूर लाइंस है। अब ये कंटूर लाइंस आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस बताओ। इन दोनों के बीच में जो आपको वर्टिकल डिस्टेंस नजर आ रही है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंटूर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटूर इंटरवल आप लोग इसे बोलते हो। क्या बोलते हो? कंटूर इंटरवल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है बताओ? कंटूर इंटरवल, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर। और जब हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट की हम बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंटूर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंटूर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव कंटूर्स। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन दो कॉन्सिक्यूटिव कंटूर्स के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस नजर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हम लोग उसे कहते हैं, क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, 72 क्वेश्चन नंबर के बाद सिविल पूछी गई है 73 नंबर पे। लीजिए 73 क्वेश्चन नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे, बताइए 73 और 74 दोनों ही सिविल के क्वेश्चन, क्या आंसर होना चाहिए? देखो मेन पर्पज ऑफ मेन वाटर ट्रेनिंग फॉर रिवर्स, मतलब हम लोग रिवर वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो रिवर वाटर ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जितने भी सेडिमेंट्स हैं हम उनको क्या कर रहे हैं? रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम क्यों करते होंगे? फ्लड को कंट्रोल करने के लिए करते होंगे, टू प्रोवाइड सफिशियंट डेप्थ ऑफ वाटर इन आपका नेविगेबल चैनल ड्यूरिंग लो पीरियड, या हम अपनी चैनल को एक गुड शेप में दे रहे हैं, एफिशिएंट डिस्पोजल हम सस्पेंडेड एंड बेड लोड का कर रहे हैं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए 73 का? आपको ऐसा नहीं लगता कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि हम चैनल को अपने एक अच्छी शेप में दे रहे हैं जिससे कि उसका एफिशिएंट डिस्पोजल हो सके सस्पेंडेड और बेड लोड का? इस सस्पेंडेड एंड बेड लोड के द्वारा हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि जो हमारा चैनल है उसका एक एफिशिएंट वे में हम लोगों को नज़र आए, इसीलिए हम लोग रिवर वाटर ट्रेनिंग वर्क करते हैं। बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो ग्राइंड्स हम लोग यूज़ करते हैं, बर्न्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि हमारी जो रिवर है वो एक जो उसका एक सडन पाथ है उसको वो अच्छे से फॉलो कर सके, क्लियर। चलिए तो देखो नेक्स्ट 74 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ईवीएस का। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले तो देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, गलत क्या है ये बताओ पूछ रहा है। तो देखो ए बोला गया है द मोस्ट हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर इज मैंगनीज, क्या सबसे हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट मैंगनीज होता है? बी बोला गया है नेचुरल मिनरल कंटामिनेट इन वाटर इज आयरन, ठीक है। सी बोला गया डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज डन बाय पासिंग क्लोरीन, देखो ये तो बिल्कुल सही है, क्लोरीन को हम लोग ऐड कर रहे हैं क्यों? डिसइंफेक्शन के लिए। डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है कि जो हमारे पानी में पैथोजेंस प्रेजेंट हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको किल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वैसे ही पानी पी जाएंगे बिना डिसइंफेक्शन के तो वो हमारे लिए क्या करेगा? बीमारी को पैदा करेगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए वो हार्मफुल रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है आप लोगों का। नेक्स्ट देखो बी की बात करें नेचुरल मिनरल कंटामिनेट इन वाटर इज आयरन, अगर हम नेचुरल मिनरल की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें आयरन में जो हमारा कंटामिनेटेड मिनरल रहता है वो क्या है? आयरन है।
अब बात आती है कि ये वाला सही है नहीं है. देखो भाई मैंगनीज आपका अच्छा होता है, ये हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ही जाएगा. अगर हम हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो आर्सेनिक हमारा बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है, लेकिन मैंगनीज आपका हार्मफुल बहुत ज़्यादा, मोस्ट हार्मफुल तो बिल्कुल भी नहीं रहता, हार्मफुल तो रहता ही नहीं है राइट. तो इसीलिए आपका आंसर जाएगा कि ये हार्मफुल नहीं रहता मैंगनीज, ठीक है. तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. आगे चलते हैं, 74 तक आप लोगों का सिविल पूछा गया है, एक और क्वेश्चन और पूछे गए हैं, एक 78 और 80 क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करो आप. द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज मैक्सिमम. 80 क्वेश्चन नंबर आप लोगों से पूछा गया है, क्या आंसर करोगे इसको, क्या आंसर जाना चाहिए बताइए. द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज मैक्सिमम इन बोला गया है, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, क्या मार्क किया आप लोगों ने, पहले तो यही बताओ आप लोग मार्क क्या किया. चलिए तो देखो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता हाइट ऑफ कैपिलरी राइज की बात हो रही है, तो एच सी इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज की बात करें इस प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है राइट. तो जितना ज़्यादा ग्रेन साइज आपका होगा उतना ज़्यादा आपका हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कम होगा. तो अब आप बताओ कि सैंड आप लोगों को अच्छा खासा इसका साइज नज़र आता है, सिल्ट और ग्रेवल का, तो भाई जो आप ग्रेवल आंसर जिसने मार्क किया है उसका मतलब कि उसे पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में क्या मार्क करने जा रहे हो आप. क्योंकि देखो ग्रेवल के पास सैंड होती है, सैंड के पास सिल्ट होता है, जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा उतना कम आपको कैपिलरी राइज नज़र आएगा. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोलॉइड जनरली लेस देन 1 माइक्रोन साइज होता है, सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं. तो जितना आपका ग्रेन साइज कम होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा कैपिलरी राइज हमें ज़्यादा नजर आएगा. तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज मैक्सिमम इन कोलॉइड्स, यस और नो. जब हमने कह दिया कि जितना ग्रेन साइज आप लोगों का होगा उतना कम आपका कैपिलरी राइज होगा, जितना कम आपका ग्रेन साइज होगा उतना ज़्यादा हमें क्या नज़र आएगा कैपिलरी राइज नज़र आएगा. तो इन सब में सबसे कम साइज किसका है, कोलॉइड्स का है. और जब सबसे कम कोलॉइड्स का है तो सबसे ज़्यादा कैपिलरी राइज किस में होगा, कोलॉइड्स में होगा, ठीक है. एक और क्वेश्चन आप लोगों का रह रहा है, इसको भी मैं आप लोगों को करा देती हूँ. 78 लीजिए, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू, लास्ट क्वेश्चन आपका सिविल का कि हाइड्रोग्राफ किसके सिमिलर है, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के सिमिलर है, लोड ड्यूरेशन कर्व के सिमिलर है, मास कर्व के सिमिलर है या एनर्जी लोड कर्व के सिमिलर है. तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोग्राफ आपका सिमिलर है कौन से लोड कर्व, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के सिमिलर है. तो राइट आंसर क्या जाएगा, 78 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जाएगा. हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का आपको रिलेशन नजर आता है, टाइम वर्सेस डिस्चार्ज या रन ऑफ हम लोग कह सकते हैं, ये हमें किस में नज़र आता है, हाइड्रोग्राफ में नज़र आता है. तो क्लियर करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व. तो होप सो कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट हुए हैं, ठीक है. तो मैंने मैक्सिमम जितने सिविल के क्वेश्चंस आए हैं आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए, ठीक है. जो फ्लूड और सोम वाला पार्ट है उसको भी आप लोगों को सर डील करा देंगे. बाकी सिविल में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे एनवायरमेंट कह दो, चाहे HNI कह दो, चाहे स्टील कह दो, चाहे आपका सर्वे कह दो, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए, राइट. सोम का तो देखो क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहा है, और फ्लूड का क्वेश्चन आपको सर करा देंगे, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आप लोगों को सर करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सिविल का आप लोगों ने चेक करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 27 के अराउंड है और वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए. होप सो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा, ठीक है. अब जितना भी आप लोगों का करेक्ट हो गया कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग मेहनत करो, ठीक है. जो हो गया जो चला गया उसके बारे में सोचना नहीं है, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपने, आगे आने वाले पेपर्स के लिए आप लोगों ने अपना 100% देना है, ठीक है. तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पेपर को देने के बाद आप लोग मार्क्स को मिलाएंगे, एंड देन उसके बाद दोबारा से आप किसी और दूसरे एग्जाम के लिए, जो भी अब आने वाला एग्जाम है उसके लिए आप लोग अपना 100% देना स्टार्ट करेंगे. तो यहीं पर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ. होप सो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, ठीक है. बाकी कोई भी अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है, या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू. हेलो एवरीवन, सो ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आए थे जनरल इंजीनियरिंग के अंदर, उस पार्ट का सोल्यूशन है जो मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है. तो जो पहला क्वेश्चन था आपका दैट वाज फ्रॉम मटेरियल्स का क्वेश्चन था आपका, सिंपल क्वेश्चन था. बैकलाइट इज एन, ये हमें जनरली मालूम होता है बैकलाइट जो होता है वो क्या होता है, आपका एक इंसुलेटर होता है. तो इसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं था आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन को देखना था और आंसर टिक करना था, दैट इज योर इंसुलेटर. तो बैकलाइट का आंसर क्या होगा डायरेक्टली सर, 13 क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा आपका दैट इज योर इंसुलेटर इज द आंसर, है ना.
आपको ए इसमें टिक करना था, थर्टीन के अंदर आपको ए टिक करना था, राइट। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो आपका आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 वाला जो क्वेश्चन था आपका, वो था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थोड़ा सा ये बेसिक अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैट से था, है ना, बेसिक इंजीनियरिंग था एकदम। इन ए इलेक्ट्रॉन, पढ़ें क्वेश्चन फटाफट से, इन इलेक्ट्रॉन ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैविंग सेम मोमेंटा एंटर परपेंडिकुलरली टू ए मैग्नेटिक फील्ड, देन उसके बाद होगा क्या? आप जब भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है आपके कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या करता है वो, कुछ फोर्स लगता है उसके ऊपर, राइट, एक फोर्स लगता है लॉरेंज फोर्स, राइट। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपका प्रोटॉन कुछ मूवमेंट करेगा और आपका इलेक्ट्रॉन कुछ मूवमेंट करेगा, दोनों कुछ ना कुछ कर्व में मूवमेंट करने वाले हैं। लेकिन आपका जो अगर जो आपका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वो एक न्यूट्रल बॉडी, राइट, न्यूट्रल एक न्यूट्रल बॉडी, तो वो क्या करेगा, सीधा का सीधा मूवमेंट करने लग जाएगा, उसको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसमें जो आपका जो आंसर था वो था आपका सिंपल, कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन विल बी सेम बट न्यूट्रॉन विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, है ना। तो जो आपका न्यूट्रॉन है वो क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड मूवमेंट करेगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपको देंगे, ना। तो इसमें सिंपल आंसर क्या था आपका, दैट इज डी, 21 का आंसर आपका होगा डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इलेक्ट्रिकल से, दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन था आपका मेजरमेंट से, अगर बात करें क्वेश्चन था आपका किससे, मेजरमेंट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन अमीटर इज टू बी यूज इन प्लेस ऑफ ए वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद अमीटर। देखो जब भी आपको एक अमीटर को, जब भी आपको एक अमीटर को आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करते हो, एक सीरीज में लगाते हो एक हाई रेजिस्टेंस। जब भी आप करते क्या, जब भी आप एक कोई भी अमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस होता कम, अगर आप उसको कन्वर्ट करना है एक वोल्ट मीटर में, तो आप क्या करते हो, इसमें सीरीज हाई रेजिस्टेंस आप ऐड करते हो, आर ऐसी संट का, राइट। आप एक आर ऐसी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस अटैच करते हो उसके सीरीज में, किसके, आपके अमीटर के, राइट। तो यहाँ पे सिंपल, इफ एन अमीटर टू बी यूज इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद ए अमीटर, क्या क्या कनेक्ट करेंगे, एक करेंगे अपन सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। उसका आंसर क्या होगा आपका, ए, 22 का सिंपल आंसर क्या, दैट इज ए, सिंपल क्वेश्चन था आपके मेजरमेंट से, डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटेंशन लेन से अपन बात कर सकते हैं ना, तो ए इसका आंसर हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट से था वो था आपका क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। सिंपल क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रोस्टैट से अगर देखोगे, बेसिक एकदम कोई भी क्वेश्चन कर सकता था इसको। क्या क्वेश्चन है, एक चार्ज ऑफ 5 कूलम मूविंग फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई, ठीक है, एक चार्ज को मूवमेंट किया आपने कहाँ से, एक्स से वाई तक आपने मूवमेंट कराया, ठीक है, कितने चार्ज को, 5C चार्ज को ना, और इसके अंदर जो वर्क हुआ वो वर्क कितना असर हुआ, 140 जूल, राइट, 140 जूल आपका वर्क हुआ। तो पूछना चाहता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, जब आप मूवमेंट कराते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना असर हुआ आता है, वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही तो आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहाँ पे आता है, राइट। तो वर्क डन कितना दे रखा है सर, या फिर बोलूँ वोल्टेज इंटू चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। तो जो आपका वर्क डन है वो कितना है सर, यहाँ पे इसने दे रखा है 140 जूल डिवाइड बाय आपका जो चार्ज है वो कितना है सर, 5 कूलम है। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा सर, ये आएगा 28, यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर कितना होगा सर, 28 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, है ना, जो इस बच्चे ने भी लगाया, राइट। 23rd का आंसर आपका कितना होगा, दैट इज योर 28 वोल्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट से वो था 38 नंबर क्वेश्चन। बीच में भी कई क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट फैकल्टी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से, सिंपल आपका था किससे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द डायोड देन इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, देखो एक डायोड है, डायोड है ना, डायोड में दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका एनोड या फिर बोलूं जो पी टाइप वाला पार्ट उसको बोलते हैं क्या हम एनोड बोलते हैं सर, एनोड बोलते हैं, राइट। और ये जो एन टाइप वाला पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं अपन कैथोड, राइट, कैथोड, कैथोड उसको हम बोलते हैं, राइट, कैथोड। अब इसने क्या बोला कि यार जो एनोड है उस पर लगाई इसने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इसने अटैच किया इस तरह से, राइट। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनी, जब प्लस को आप पी टाइप से कनेक्ट करते हो तो क्या बनता आपका, ये सिस्टम बन जाता आपका फॉरवर्ड बायस, राइट, ये बन क्या जाता आपका, दैट इज योर फॉरवर्ड बायस, है ना। अगर आप इसको उल्टा अटैच करते बैटरी को तो क्या बनता, रिवर्स बायस। तो यहाँ पे सिंपल आंसर क्या हो गया, दैट इज योर फॉरवर्ड बायस, सीधा अटैच किया इसने बैटरी को डायरेक्टली किससे, आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर से, और नेगेटिव पार्ट को अटैच किया एन टाइप से, राइट। तो बन क्या गया आपका, दैट इज योर पीएन जंक्शन, और इसके अक्रॉस अटैच किया इसने एक बैटरी, राइट। तो बन क्या गया, दैट इज योर आंसर इज फॉरवर्ड बायस इन दिस क्वेश्चन, बात समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन है वो कहां से है, वो क्वेश्चन नंबर है 68, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है ना, क्वेश्चन नंबर 68 इज दिस क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यार क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एनी एंड होल एनएच कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 इन 10^16, मतलब एनआई इसने दे दिया, राइट, एनआई इसने दे रखा है यहाँ पे ना। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस एनएच, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करके कितना करा दिया इसने भाई, नंबर ऑफ होल्स कितना दे रखा है इसने, दे रखा 3 × 10^22 इसने दे रखा, राइट, ये दे रखा है। तो कैलकुलेट एनई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डोप्ड सिलिकॉन, ये इसकी बात कर रहा है। एक इक्वेशन होती है, हमें पता है यार क्या होती है इक्वेशन, इंट्रेंसिक होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो होता है
नंबर ऑफ होल्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है राइट। अब इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन कितनी देखिए 1.5 इंटू 10^16 ये आपके इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन है, इसका आप करोगे होल स्क्वायर। और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूछा है होल्स आपको यहाँ पर दे रखा है, इसने देखो यहाँ पर होल्स दे रखा राइट। होल्स कितना है सर, नंबर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स कितना सर दिया है इसको नीचे लेके आएंगे वो कितना है सर, वो दे रखा है अपन को 3 × 10^22 आपको यहाँ पर दे रखा राइट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ आपका दैट इज 7.5 × 10^9 यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन राइट। सिंपल आपको इक्वेशन लगानी थी, कौन सी वाली इक्वेशन, जब आप नंबर ऑफ इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन की बात करते हैं उसका होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आपके नंबर ऑफ होल्स के इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन की राइट। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा कितना 7.5 × 10^9 इज द आंसर। ओके सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अदर फैकल्टी कराएंगे जो कि जोगिंदर सर, उनके साथ अपन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग क्लास। आपके जीएसएससी का जो आज का पेपर हुआ है उसमें बेसिक इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर अपन कहें तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 25 नंबर, इन ए ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी टू सेकेंडरी 3:5 और करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग पूछा है, आपको दे रखा है 15 और सेकेंडरी में पूछा है। जैसा कि अपन जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रिगार्डिंग आपको पता है कि N1:N2 अगर अपन लिखेंगे किसके बराबर होगा, दिस इज इनवर्स रेशियो ऑफ करंट I2:I1। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट, तो I2 कैलकुलेट करना है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए N1:N2 दिस इज 3/5 इक्वल्स टू I2 कैलकुलेट करना है और I1 आपको दे रखा कितना है 15 एम्पियर। तो यहाँ से सॉल्व करिए, बताइए कितना हो गया 5 × 3 = 9 A तो इसका 25th का सही आंसर कौन सा होगा, बी 9 एम्पियर। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। अगला क्वेश्चन अगर अपन इसमें लें दैट इज 26 देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, 26 क्वेश्चन में आपसे सर्किट ब्रेकर की प्रॉपर्टी पूछिए कि सर्किट ब्रेकर हैविंग हाई स्पीड ऑफ करंट इंटरप्शन, जिसमें एक फास्ट क्विंचिंग हो वो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर काउंट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं सेल्फ ब्लास्ट, सेल्फ कंपनसेटेड, प्लेन एक्सप्लोजन पोर्ट, ये सब आपके टाइप हैं। इन सब में जो फोर्स्ड ब्लास्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट आपका इंटरप्शन रखेगा किसका, सो हाई स्पीड करंट इंटरप्शन किसमें होगा जिसमें फोर्स्ड ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किए जाएँ। सो 26 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है 27 देखिए, ये हिंदी वाला पोर्शन है, नाउ दिस इज 27 चेक करिए 27th क्वेश्चन जो है इसका आंसर करिए, ये एक नेटवर्क का बेसिक सा क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट द टोटल पावर डिसिपेशन इज 270, यानी इस पूरे सर्किट में अगर मैं कहूँ आर इक्विवेलेंट जो इसका आता है उस आर इक्विवेलेंट में 270 वॉट अगर आपका टोटल डिसिपेशन है, तो आपसे पूछ रहा फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस आर। अननोन रेजिस्टेंस आर का सिग्निफिकेंस ये कहता है कि जब इस सर्किट में जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इस आर की वैल्यू क्या हो, ये इसने पूछा है। तो इस आर की वैल्यू कुछ भी हो उस पे ये सर्किट प्रॉपर्टी उसकी किसी भी वैल्यू पर ये सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको सर्किट दिया हुआ है एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड सर्किट है। जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो किस तरह से 5 और 10 आपको सीरीज में दिख रहे हैं, इनको मैं कह सकता हूँ दिस इज 15, यहाँ पे आपको 10 और 10 पैरल में दिख रहे हैं दिस इज 5, यहाँ पे 60 और 60 पैरल में दिख रहे हैं ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे दिखेगा ये अपने पास इंडिविजुअल एक है 10 ओम। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ ये ऐसा सर्किट दिखेगा, दिस इज 15 देन रजिस्टर आर, उसके बाद आगे है अपने पास दिस इज, तो 15 R 10, ये है 15, ये है आर, ये है 10 ठीक है। इसके बाद देखो तो यहाँ से ये ब्रांच कितना है 5, तो आप कह सकते हैं आर के पहले से यहाँ से एक रजिस्टेंस है इस तरह दिस इज 5 ओम, और अगर यहाँ देखें तो ये कितना है 30 ओम, जो इस पे इन दो के अक्रॉस है आप कह सकते हैं इस तरह से यहाँ तक ये कितना दे रखा है दिस इज 30 ओम, और इसके अक्रॉस यहाँ और यहाँ ये बैटरी कनेक्टेड है 60 वोल्ट का, अगर मैं कनेक्ट करूँ तो यहाँ से इस बैटरी को लगा सकता हूँ दिस इज 60 वोल्ट, ये लीजिए। तो इस बैटरी की वजह से जो भी डिसिपेटेड होगा वो इस आर की वैल्यू पूछ, इस आर की क्या वैल्यू लें कि टोटल पावर इतना हो। सही कहें तो यहाँ पे आप गौर से देखें तो एक ब्रिज बेस बन रहा है, ब्रिज में डायगोनल एलिमेंट चेक करिए 5 × 30 कितना हो गया 150, 15 × 10 कितना हो गया 150, यानी ये ब्रिज कैसा है बैलेंस्ड ब्रिज है, और बैलेंस्ड ब्रिज में कभी भी इस एलिमेंट में कोई करंट नहीं जाता है। सो आर की किसी भी वैल्यू के बिहाफ पर जब ये करंट कैरी नहीं करता तो कोई भी वैल्यू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट पे, तो आप कह सकते हैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है इस क्वेश्चन में, इनमें कोई भी जस्टिफाइड वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, एनी वैल्यू ऑफ द वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखिए आपका आंसर आ जाएगा जो भी आपको डिसिपेटेड पावर निकालना है ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें 27 के बाद 28, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज सर्ज फर्स्ट काउंटर बाई,
ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज सर्ज की बात कर रहा है, सर्ज जो काउंटर किया जाता है किसके थ्रू होता है, सर्ज मतलब जो आपका हाई वोल्टेज पोटेंशियल के बिहाफ पे अगर कहें तो जो सर्ज आपके लाइटनिंग सर्ज वगैरह या हाई वोल्टेज सर्ज उसको कौन वहां पे डाइवर्ट करता है, तो आप कहते हैं कि फर्स्ट काउंटर बाई फर्स्ट सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे आपका जो लाइटनिंग अरेस्टर है उसका काम है, स्विच गियर और रिले आपका प्रॉपर्टीज आप एप्लीकेशन बेस कह सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफर इन सब में इस एलिमेंट लाइटनिंग अरेस्टर का काम ही क्या होता है, टू एक तरह से सर्ज डाइवर्ट करने का काम होता है, तो वही हो जाएगा इसका फर्स्ट काउंटर बाय द लाइटनिंग अरेस्टर। अगर लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है तो आपके जो टॉप कंडक्टर होते हैं अर्थ स्क्रीन या अर्थ वायर लगे होते हैं उनके थ्रू ये किया जाता है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनरेटर रिएक्टर देर इज ए कॉन्स्टेंट। जनरेटर रिएक्टर की खास बात क्या है, जनरेटर रिएक्टर जो होता है वो इन सीरीज विद आप कह सकते हैं सिंपली क्या होता है, एक सीरीज रिएक्टर होता है, और ये जो सीरीज रिएक्टर है इसका काम ही क्या है, करंट को लिमिट करने का, तो अगर करंट को लिमिटेड रखेगा तो सीधी सी बात है उसकी वजह से होने वाले वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस इनको क्या रखेगा, कॉन्स्टेंट। अगर सीरीज रिएक्टर उस फॉल्ट को लिमिट कर देता वहीं पर तो ड्रॉप और पावर लॉसेज उसके बिहाफ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 29 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 के बाद, दिस इज 30th क्वेश्चन। देखिए 30th क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है टॉर्क का डेवलपमेंट, और टॉर्क का डेवलपमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर, तो जो फोर्स की डायरेक्शन वो किससे दी जाती है पूछा गया है। बड़ा आसान तरीका याद रखने का, आपको क्लास में पढ़ाते भी हम, एम जी सेट मोटर जनरेटर सेट की तरह अगर लिखूं तो इसके लेफ्ट हाफ में कौन आ रहा है, मोटर, राइट हाफ में कौन आ रहा है, आप कहेंगे जनरेटर। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए इस्तेमाल होगा, मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ करंट, फोर्स देन डेवलपमेंट ऑफ टॉर्क की डायरेक्शन यही देगा, तो अपना डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, बेस्ट सूटेबल रेटिंग फॉर डीओएल स्टार्टर। बिल्कुल यहां पर जब इंडक्शन मोटर स्टार्टर की बात करते हैं तो डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर और रोटर रेजिस्टेंस ये सब टाइप्स ऑफ स्टार्टर हैं। इनमें जो सबसे बेसिक जो डीओएल है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वो मिनिमम 5 HP रेटिंग तक के लिए सूटेबल होता है, तो रेटेड अप टू 5 HP इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 15 तक स्टार डेल्टा, उसके बाद में 25 या 20 तक आप कह सकते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर, फिर हाई रेटिंग के लिए दूसरे और, तो यहां पर अपना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, सो नाउ आगे बढ़ते हैं 32 पे। 32 क्वेश्चन देखिएगा, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। क्या जवाब देंगे इसका, सेकेंडरी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ऑन द यूटिलाइजेशन बेस किस पर है, आप कह सकते हैं ये किस बेसिस पर है, आप कहेंगे यूज के बिहाफ पे आपके ट्रांसफॉर्मर को पावर और डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस अगर मैं कहूँ कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी सेकेंडरी जो है, उसकी जो सेकेंडरी साइड है उस पर हमेशा सिंगल फेज भी कनेक्ट हो सकता है और थ्री फेज भी कनेक्ट हो सकता है, और अगर सिंगल फेज लोड कनेक्ट होगा तो इसको हमेशा क्या चाहिएगा, एक फेज और एक न्यूट्रल, तो न्यूट्रल केवल कौन दे सकता है, आप कहेंगे स्टार कनेक्शन ही दे सकता है, डेल्टा में तो होता ही नहीं है, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दिस इज द स्टार कनेक्शन, सो ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार, ये अपन कहेंगे सेकेंडरी किस में होना चाहिए, स्टार में होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास 32, नाउ 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सिस्टम इक्विपमेंट मिनिमम फॉल्ट ऑकर। इनमें से किस पावर फैक्टर इक्विपमेंट में आपके ऑपरेटर्स के बिहाफ पे पूछ रहा है, किस इक्विपमेंट में मिनिमम फॉल्ट अकरिंग होता है। मिनिमम फॉल्ट अकरिंग जो है वो सबसे प्रिसाइज डिजाइन के बिहाफ पे, या फिर जो आप कह सकते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी बेस या लोड से कनेक्टेड नहीं देखिए, जिसका सबसे सबसिक्वेंट आपका एंड अलग हो, उन बेसिस पे कहें तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑल्टरनेटर, CTPT विद एक्स्ट्रा वाइंडिंग और स्विच गियर, ये सब प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं। इन सब में जो सबसे प्रिसाइज होता है वो ऑल्टरनेटर होता है, कि ऑल्टरनेटर जो है उसमें मिनिमम इक्विपमेंट फॉल्ट्स अपने पास मिलता है, ये अपन कह सकते हैं। इनमें सबसे सेफेस्ट जो है, सबसे कम जो रिक्वायरमेंट है वो कहां पे रहेगी, ऑल्टरनेटर के लिए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है आपके पास 34 नंबर, देखिए कोरोना से फेमस है ये, कोरोना का बेसिक क्वेश्चन है, वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लो ऑकर इज नॉन बाई। कोरोना अपन जानते हैं क्या है, एक तरह से सिंपली अपन कह सकते हैं जो आपके ओवरहेड कंडक्टर्स उनके बीच के एयर का ब्रेकडाउन होने के बाद जो पावर लॉस इक्विपमेंट में आता है, पावर लॉसेस जो होते हैं और रेडियो इंटरफेरेंस जो है, उस कंबाइंड सिचुएशन को अपन कोरोना कहते हैं। तो यहाँ पर कोरोना में वो पावर का जो डिसिपेशन है वो आप कहते हैं कई तरह से होता है, आप कह सकते हैं हीट भी होता है, साउंड भी होता है, फ्यूम भी बनता है, केमिकल एक्शन भी है, तो उन सब में वो कहता है जिस पर कोरोना स्टार्ट होता है, दो तरह से, एक होता है VD और एक होता है VC।
क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज दिख रहा है आपको, आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज जो है इस पर तो अपने को हमेशा कोरोना अकर करता है, स्टार्ट करता है, और जिस पे विजुअलाइज होता है, जिस पे दिखाई देता है, जो किसने पूछा है कि ग्लो कब करेगा, तो ग्लो करता है वो किस पे, वीसी पर, लिटिल बिट अपर देन वीडी, तो आप कहेंगे क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज जो आपका है ये आपका बी ऑप्शन में लिखा है, ये कौन सा है, वीसी, वीसी पर क्या कर जाएगा, ग्लो करेगा, और वीडी पे क्या होता है, आप कहते हैं कोरोना अकर करता है, स्टार्ट करता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए अगला प्रश्न 35 देखिएगा, 35 क्या पूछ रहा है कि ऑन विच कंडक्टर इज यूटिलाइज फॉर रिड्यूसिंग स्किन इफेक्ट एज वेल एज आप कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट दोनों के लिए, तो स्किन और कोरोना अगर दोनों को रिड्यूस करना है ये किस भी हाफ पे हो सकता है, इफेक्टिव जो उसका डायमीटर है, उसका जो रेडियस, उसका जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर, वो रिड्यूस करने के लिए अपन कह सकते हैं हम कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, ACSR, जो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, सीधी सी बात है दोनों इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, रिड्यूस करता है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख, अच्छा प्रश्न है 36वां क्वेश्चन, थोड़ा सा आप डिटेलिंग पे जाएं तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये SRIM की बात कर रहा है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है कंपैरेटिवली स्क्वायरल केज से कुछ मायने में अलग होती है, जिनमें सभी इंडक्शन मोटर अगर हैं, अगर इंडक्शन है तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव तो हो गई, तो ए तो पहले से ही करेक्ट है, पावर फैक्टर है बिल्कुल, SCIM ये हमेशा होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लो पावर फैक्टर, और इसका रिलेटिवली हमेशा क्या होता है, हाई होता है, वैसे सभी इंडक्शन का कम है लेकिन रिलेटिवली इसका हाई होता है, ठीक है, लेकिन स्लिप रिंग यूज करने की वजह से जो पावर लॉसेज होते हैं उनकी वजह से इनकी इफिशियंसी SRIM से कम होती है, दे आर हैविंग लो इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, स्क्वायरल केज का अच्छा है तो आप कहेंगे ये भी ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग करंट कब करें, स्टार्टिंग करंट तो कोई भी मोटर हो, चाहे आपका स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग, दोनों ही अपना हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए अपन स्टार्टर्स प्रोवाइड करते हैं, वो उसका एडिशनल फंक्शन है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, दैट स्टार्टिंग करंट इज लो, इनकी स्टार्टिंग करंट भी, इनकी भी हाई होती है, हाँ इनके कंपैरेटिव कम है, तो रिलेटिवली अपन कहें तो ये वर्सेटाइल आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बताइएगा 37 का आंसर क्या है, 37 पूछ रहा है कि भाई ये जो आपका वोकॉल्स रिले है इसके फैक्टर की बात करें, वोकॉल्स रिले इज ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन, किसके बीच में कनेक्टेड होता है, तो ये रिले जो है ये मल्टी लेवल प्रोटेक्शन को डिफाइन करता है, जिसमें अपन कह सकते हैं जितने भी ऑयल फील्ड जो ट्रांसफॉर्मर है जिसके लिए अपन कह सकते हैं अबव 500 KV की जो बात की जाती है, इससे ज़्यादा रेटिंग के लिए, उनमें मेन टैंक और कंजर्वेटेड टैंक, इन दोनों के बीच में अपन एक रिले लगाते हैं, दिस इज BR, जो कि इंटरनल फॉल्ट्स के रिगार्डिंग आपका ऑपरेट करता है, तो अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो हमेशा किसी एंगल पर स्क्यूड होता है, टेढ़ा होता है, ये भी आपको पता है, सो इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटेड टैंक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, 37 का आंसर होगा ए, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए, 38 आपने सर ने करवा दिया पहले आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि पावर रिएक्टर से संबंधित आपके, ये देखिएगा, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इंडिया लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद ए कैपेसिटी ऑफ, आपसे सिंपली रेटिंग पूछी है इसने, ये जनरल अवेयरनेस की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाइएस्ट इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस कैपेसिटी पर है, तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2000 मेगावाट का प्रोडक्शन इसका होता है, एग्जैक्ट रेटिंग बात करूं दिस इज 1960 मेगावाट का प्रोडक्शन इस पावर प्लांट के बेस पर डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो AC वेल्डिंग की बात करें, AC वेल्डिंग मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर, तो AC वेल्डिंग मशीन कहां पर इस्तेमाल नहीं होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, समर्ज आर्ट वेल्डिंग, इनके अंदर बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है AC वेल्डिंग को, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ये जो MIG वेल्डिंग है मेटल इमिग्रेशन के बिहाफ पे जो आपका डिजाइन किया जाता है उसमें अपन प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि AC DC एज वेल एज दोनों के लिए हो गया, MIG आपका अलग टाइप ऑफ वेल्डिंग मेथड है जो यहाँ पे प्रेफर्ड नहीं होगा, MIG वेल्डिंग में सूटेबल नहीं होगा, क्लियर है। तो ये था आपका 40th क्वेश्चन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आगे आपके पोर्शन है 61 से, देखिएगा इलेक्ट्रिकल का जो आपका सेगमेंट है 61, हाँ जी ये क्वेश्चन देखिए 61 क्वेश्चन जो इसमें कहा है 8 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, नेटवर्क का बेसिक सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको क्या कह रहा है,
इसने कहा है कि भाई एट रेजिस्टेंस हैं, ये सब कनेक्टेड हैं एक्स वाई जेड के बीच में, आर शोन इन द फिगर, द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन, टर्मिनल वाइज पूछा कि किन के बीच का मैक्सिमम होगा रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम के लिए पहले अपने ट्रायंगल को बेसिक सॉल्व कर लें। ये जो भी आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। बताइए अगर मैं मार्क कर दूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, सो सिक्स सिक्स सीरीज में तो कितना हो जाएगा 12 ओम, इसके बाद 12 12 12 तीनों आपके पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 12 बाई 3, यानी हो गया 4 ओम, और यहाँ पे 8 और 8 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 ओम। ये अपने पास एक ट्रायंगल बना। तो अगर आप इस तरह से भी देख लेते कि एक्स और वाई के बीच में हाईएस्ट रेजिस्टेंस है तो आप जवाब दे सकते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ होगा, क्योंकि लेकिन इक्वलेंसी की देखें तो बिटवीन एक्स वाई, जब ये बोल रहे बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे पहले कि इस एक्स और इस वाई के बीच में कितना है। तो देखो एक्स और वाई में 12 तो है ही है, इसके पैरेलल में क्या आ जाएंगे ये दोनों, जब मैं इनके बीच का इक्विवेलेंट निकालता हूं एक्स और वाई के बीच में, तो इस 12 ओम के साथ ये दोनों ब्रांच आपस में सीरीज में होंगे पैरेलल में, सो 4 और 6 कितना हो गया 10, तो आप कहेंगे 12 और 10 का पैरेलल। और आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे लोवेस्ट से भी कम आता है, सो इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो लेस देन 10 ओम होगा। सो एक्स वाई के बीच में आप कह सकते हैं एक्स वाई के बीच में इक्विवेलेंट वैल्यू 10 ओम से कम आएगी, ठीक है, 10 ओम के आसपास या उसके आसपास या 10 ओम के कम आनी चाहिए। अगर मैं कहता नहीं वाई एक्स जेड के बीच में पूछ ले, अगला ऑप्शन दे है वाई और जेड, तो वाई और जेड के बिहाफ पे अगर देखें तो ये है 6, ठीक है, और 6 के पैरेलल में ये दोनों सीरीज में 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 6 और 16 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसका वैल्यू लेस देन 6 ओम आएगा, इसका पक्का 6 ओम से कम वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स जेड की बात करूं, अगर मैं एक्स और जेड की बात करूं, तो यहां पे बताइए ये तो हो गया 4, इसका तो हो गया 4, और 4 के साथ ये कितना हो गया 12 और 6 18, आप तो 4 और 18 में अगर मैं करूंगा तो इसकी वैल्यू तो लेस देन 4 ओम से भी कम आएगी, पैरेलल में इक्विवेलेंट वैल्यू लोवेस्ट से भी कम मिलता है। तो इस तरह से ये आंसर दिख रहा है कि ये 10 से कम यानी 9 पॉइंट समथिंग, दिस इज 6 से भी कम, ये 4 से कम, तो हाईएस्ट कहां आ रहा है जो अपने बेसिक भी ढूंढा था दैट इज 12, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ए, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ए, इसने जो डी ऑप्शन दिया इक्वल एट एनी टू पॉइंट, ये तो वैसे भी नहीं है, दिख रहा है अपने को अलग अलग वैल्यूज में, तो 61 का आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 62 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 67 के बाद है 67, देखिएगा। When two identical, ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं देखिए कैसे सॉल्व करें। टू आइडेंटिकल बैटरीज हैं, बैटरीज आइडेंटिकल है तो मान लेते हैं ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका 2 ओम है, ये आपको दे रखा है। टू बैटरीज हैं जो कि कनेक्टेड है पहले सीरीज में अक्रॉस आर, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन आर, जो रजिस्टर जैसे ऐसे कहा है इसने फर्स्ट सर्किट में कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ रेजिस्टेंस 2 है, दिस इज ई एंड दिस इज 2, इसके साथ दूसरा बैटरी भी क्या है ई और 2, दिस इज ई एंड दिस इज 2, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है किसके क्रॉस, एक रेजिस्टेंस आर के क्रॉस, चलो ये आपका सर्किट। फिर कहता है द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन आर, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस यानी जे की बात करें तो क्या होता है सिंपली एच वन अपॉन टी, ये होता है एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से, ये जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे वन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, पी वन किसके बराबर होगा आई स्क्वायर आर, तो मैंने मान लिया यहाँ पे दिस इज आई वन, तो आप कहेंगे दिस इज आई वन स्क्वायर इंटू आर। अब आई वन क्या है, इस सर्किट का करंट निकाल सकते हैं, आई वन क्या होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो दिस इज ई ई कितना हो गया इक्विवेलेंट लिखो तो 2e, तो आप कहेंगे दिस इज सिंपली 2e अपॉन ये हो गया r प्लस 4, दिस इज r प्लस 4, 2e अपॉन r प्लस 4 ये इक्विवेलेंट वैल्यू आया, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर, ये अपने पास आया इक्वेशन 1, दिस इज j1, ये क्या निकाला अपन ने j1। सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूं j2, कब जब कहता है व्हेन द सेम बैटरीज आर कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्टेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दिस आर, अगर मैं इन दोनों बैटरीज को पैरेलल लगाऊं, ये था कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज, अब जरा पैरेलल देखो, अगर ये पैरेलल में होते, अगर ये पैरेलल में होते तो अपन कहते हैं कि ई पैरेलल में अगर होते तो क्या होता, दिस इज ई, आप कहते सिंपली एक बैटरी ई देन रेजिस्टेंस ई और ये है 2, फिर दूसरी बैटरी ई और ये भी कितना है 2, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर किसी रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस होता, अब बताओ इक्विवेलेंट वैल्यू क्या लिखता मैं, ई और ई का तो हो गया ई, तो इस बार अगर मैं कहता यहाँ पे करंट कोई I2 है तो इस I2 की वैल्यू क्या होती, दिस इज E अपॉन इक्विवेलेंट आ गया 1, सो दिस इज R प्लस 1, इस ये आ गया करंट की वैल्यू। अब इस बार अब पूछता कि J2 क्या है, J2 इस बार की रेट है J2 यानी पावर, दिस इज सिंपली H बाई 2, H बाई T कह देते अपन, H2 बाई T, ये किसके बराबर होगी I2 स्क्वायर इंटू R,
अब इसमें फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लें, तो यहाँ से अपने पास J2 आ जाता है, यहाँ से अपने पास J2 आ जाता है I2 स्क्वायर यानी E अपॉन R प्लस वन का स्क्वायर इनटू ये लीजिए R, दिस इज J2 और ये अपने पास है दिस इज J1। तो इक्वेशन वन और टू दिख रही है आपको दोनों, वन और टू में सीधा सीधा रिलेशन दे रखा है उसने J1 इक्वल्स टू 2.25J। जब मैं कहूँगा कि J1 इक्वल्स टू 2.25J2 इसको सॉल्व करें, दोनों तरफ आप कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व करने पे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाता है यहाँ से सीधा सीधा R इक्वल टू कितने ओम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके R की जो वैल्यू है यहाँ पे स्पेसिफाइड होकर मिलती है 8 ओम आपके पास, R इक्वल्स टू 8 ओम। कैलकुलेट कर लेना है, R इक्वल्स टू 8 ओम आ जाएगा। ये दोनों की इक्वेशन आ गया, J1 J2 रिलेशन दे रखा है आपको, सॉल्व कर लेना है, R इक्वल्स टू 8 ओम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न ये था अपने पास 67, ये था 67, देन 69th क्वेश्चन, ये देखिएगा मशीन का एक क्वेश्चन है 69। एन 8 पोल अल्टरनेटर रन 750 आरपीएम, स्पीड दे रखा है, सप्लाइज पावर टू ए 6 पोल इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर को पावर फीड करता है, स्लिप बता रखा है, तो आपसे पूछा इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या होगा। इंडक्शन मोटर का स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n इक्वल टू एन एस वन माइनस एस, डन। यहाँ पर एन एस चाहिए तो 120 एफ अपॉन पी, मोटर के पोल कितने दे रखे हैं 6 इंटू वन माइनस एस, स्लिप कितना दे रखा है 3%, तो 0.03 लिख दिया। अब आपको ये एफ चाहिए, अब ये एफ कहाँ से निकालें, क्योंकि फीड कौन करता है ऑल्टरनेटर, तो हम ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये होता है पी एन बाई 120, पी एन बटा 120। तो पोल कितने दे रखे हैं आपको, पोल है ऑल्टरनेटर के 8, स्पीड कितना है 750 डिवाइडेड बाई 120। ये आपको सेम आपकी क्लासेस में कराया हुआ क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू का बेसिक क्वेश्चन है, सब डायरेक्ट क्लास नोट्स का क्वेश्चन ये आप कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सिमिलर मिलेगी। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कितना निकल के आता है, दिस इज 50 हर्ट्ज, यहाँ पुट कर दें, दिस इज 120 इंटू 50 अपॉन 60 इंटू 1 माइनस 0.03 आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ से 20, तो आप कहेंगे 1000, सो 1000 इंटू 1 माइनस 0.03 ये 970 आरपीएम। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 970 आरपीएम, बी इसका करेक्ट आंसर है 970 आरपीएम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद आपके पास 70th क्वेश्चन, 70th क्वेश्चन देखिएगा क्या आंसर होगा। 70th क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल है, ये क्या है, 2 साइन ओमेगा टी और 2 कॉस ओमेगा टी प्लस 30। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और ये कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अपन एवरेज वैल्यू की ओर सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो कैसे करें, आपको यहाँ पे इसको सिंपल सॉल्व करना है इस मेथड से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन है अपने पास, उस इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं कि भाई करंट जो दे रखा है दैट इज आई इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन, मैं इस 100 पाई को एक तरह से ओमेगा टी लिख रहा हूँ, ठीक है, 100 पाई टी को मैंने लिखा ओमेगा टी, ओके प्लस, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ कॉस, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी यानी कॉस ओमेगा टी कॉस 30 माइनस साइन ए साइन बी यानी साइन ओमेगा टी और साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो आई इक्वल्स टू क्या आता है, इसे सीधा लिखिए 2 साइन ओमेगा टी, ओके डन, यहाँ पे हो जाएगा 2, अब कॉस ओमेगा टी, देखो 2, अब कॉस ओमेगा टी तो है ही, इसके साथ साइन 30 डिग्री यानी कितना हो गया √3/2, उसके बाद है माइनस, ये साइन ओमेगा टी तो है ही, साइन 30 कितना हो गया 1/2। इस एक्सप्रेशन से अगर देखें ये 2 ये 2 ये 2 ये कैंसिल, यहाँ पर है 2 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस का साइन ओमेगा टी, तो बताइए मुझे करंट कितना आया, करंट आया सिंपली दो में से घटा दीजिए, ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 कैंसिल होने के बाद ये √3 बचा, √3 कॉस ओमेगा टी, तो आपने कहा दिस इज √3 एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ये दो फंक्शन दिख रहे हैं अपने को, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1, यहाँ पे √3, ये दो अलग अलग फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज पता है जो आपस में इस तरह, तो यहाँ आई आरएमएस लिखने का सीधा तरीका आप जानते हैं, रूट अंडर फर्स्ट फंक्शन का आरएमएस तो मैक्सिमम बाई √2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन का आरएमएस √3, सो √3/2, √3/√2 का स्क्वायर, साइन और कोसाइन का दोनों का सिमिलर है, यहाँ से सॉल्व करिए, रूट अंडर दिस इज 1/2 और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2, कितना हो गया यहाँ से 4/2, ये आप कह सकते हैं आंसर आ गया √2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 71, देखिएगा ध्यान से,
71 नंबर क्वेश्चन जो है उसका क्या आंसर होगा. 71 आपको दे रखा है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे सिंपल सी कहानी बेस्ड क्वेश्चन था. ये कॉमन ब्रांचेस का क्वेश्चन है. मैकेनिकल में भी आप लोग पढ़ते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट होना तो इलेक्ट्रिकल के भी हाफ पे अगर अपन जाएं तो विस्किसिटी ऑफ ऑयल, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक्स, ये सिविल से रिलेट कर रहे हैं. कॉमन सैंड इज द वैरायटी ऑफ ये फेल्डस्पार का. मतलब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल की एक लाइन थी. आप पेल्टन व्हील जो ड्राइव्स जो आप पढ़ते हैं पावर प्लांट्स में, उस पावर प्लांट पे अपने पास तीन तरह के टर्बाइन अपन बोलते हैं. क्या तो होता है आप कहते हैं कापलन, इसके अलावा आपके पास यूज किया जाता है पेल्टन आप कहते हैं, या फिर पेल्टन, और तीसरा अगर मैं कहूँ तो कौन सा यूज करते हैं, फ्रांसिस. आप यूज करते हैं फ्रांसिस. तो अगर मैं कहूँ कापलन के अंदर कैसा फ्लो होता है तो आप जानते हैं. यहाँ पे बोलते हैं अपन कैसा, दैट इज एक्सियल फ्लो. अगर मैं बात करूँ किसकी, पेल्टन की, पेल्टन के अंदर कौन सा होता है, आप कहते हैं टेंजेंशियल फ्लो. और अगर मैं बात करूँ तीसरा यानी कि फ्रांसिस की, तो इसका कौन सा फ्लो होता है, दैट इज रेडियल फ्लो. तो अगर इससे भी देखते हैं तो अपन कह सकते हैं सिंपल सही स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, ये पेल्टन व्हील इज ए टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन. सो इसका आंसर हो जाएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल में इसमें था 77. देख लीजिए 77th क्वेश्चन. वाटर हैमर, अगेन कॉमन क्वेश्चन. आप बेसिक कई ब्रांचेज में इस चीज को पढ़ते हैं. वाटर हैमरिंग जो है आपने एफएम में भी देखा है, यहाँ पर भी है. वाटर हैमर्स जो होते हैं वो किस, तो जब अपन हाइड्रो प्लांट की बात करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में जब आप कहेंगे कि जो आपका वाल्व हाउस है उससे पानी जब पेनस्टॉक के थ्रू आता है, और आगे यहाँ पे आपके ड्राइव्स में अपन बात करें, तो पानी जो आने वाला पाइप है उस पानी की सप्लाई अगर यहाँ से अचानक से सडन अगर मैं कहूँ रोक दे, अगर यहाँ की डिमांड आपकी आउटपुट में कम हो गया है, लोड घट गया है, तो आप कहेंगे अगर जनरेटर को ज़्यादा पावर नहीं जनरेट करनी, तो आप कहेंगे इसका इंटरप्शन अगर हो, वॉल्व से आने वाली पावर की सप्लाई, पानी की सप्लाई को अगर एकदम सडन इंटरप्शन मिले, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो भरा पानी है ये प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर की वजह से वाटर हैमरिंग क्रिएट होती है. और वाटर हैमरिंग जो क्रिएट होती है वो किस में होती है, आप कह सकते हैं पैन स्टॉक यानी इस पाइप के अंदर. इसीलिए अपन कहते हैं स्टील की पाइप अपन इस्तेमाल करते हैं पैन स्टॉक. और इसको बचाता कौन है, इससे प्रोटेक्शन कौन देता है, आप कह सकते हैं ये रहा फर्स्ट ऑप्शन. सर्ज टैंक जो होता है वो आपका यही करता है, इस पानी को एक एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड करता है जो कि पैन स्टॉक में वाटर हैमरिंग को कम करता है. सो रिलेट करते हैं, इसने पूछा कहाँ ऑकर्स इन द पैन स्टॉक. ठीक है, तो ये था अपना 77. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका 79. देख लीजिए 79th क्वेश्चन में सिंपल जनरेशन की बात कर रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द सी वाटर इज मोर एडवांटेजियस. तो एडवांटेज किस में ज्यादा है, ओशन करंट्स, वेव पावर, टाइडल पावर, इन सब में आपका जनरेशन हो रहा है बिल्कुल. बट टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर का जो जनरेशन का जो सोर्स है उसका इसमें आप कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स ईजी जनरेशन टेक्निक, और मोस्ट ऑफ द पावर आपके एसी के बिहाफ पे ही अपन बना रहे हैं. सो आप अगर कन्वीनियंटली कहें कि सी वाटर से एनर्जी किस मेथड या किसके थ्रू ज़्यादा एडवांटेज क्रिएट करता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज टाइडल पावर. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज टाइडल पावर. तो ये थे आपके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस. अब ये थे आपके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, बाकी भी आपके जनरल इंजीनियरिंग तो बेसिक सा क्वेश्चन पेपर रहा है, ऐसा है सच कुछ टफ नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. क्या पूछा था पहले ये देखिए ध्यान से. क्वेश्चन था आपका एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन. तो आरएमएस वेलोसिटी होता क्या है, तो वी आरएमएस इक्वल्स टू होता है क्या, रूट अंडर 3RT/m, रूट अंडर 3RT/m. अब क्या बोल रहा है कि वी आर एम एस जो हाइड्रोजन का है दैट इज
थ्री टाइम्स ऑफ वी आर एम एस किसके ऑक्सीजन के. तो देखिए थ्री आर टी बाई एम अगर बात करें हम तो पुट कीजिए वैल्यू रूट अंडर थ्री आर टी बाई एम. हाइड्रोजन में कितना टू इक्वल्स टू थ्री होगा ना यहां पे थ्री से मल्टीप्लाई रूट अंडर थ्री आर. टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 47 डिग्री सेल्सियस. तो इसको आप केल्विन में चेंज करें तो टी प्लस कितना हो जाएगा सॉरी टी नहीं 273 प्लस 47 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. टी इक्वल्स टू कितना आएगा 180 केल्विन. टी इक्वल्स टू 180 केल्विन. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना वो था 41. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 41 क्वेश्चन. देखिए एक बार क्या था. देखिए बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे. क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द विच स्टेटमेंट आर करेक्ट. कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल वन. बिल्कुल सही है. कार्नोट साइकिल जो है दैट इज रिवर्सिबल साइकिल. ऑल रिवर्सिबल साइकिल हैव सेम एफिशिएंसी. कब. जब वर्किंग टेम्परेचर सेम होगा. यहां पे वर्किंग टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कार्नोट साइकिल हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ऑल साइकिल. नहीं, इररिवर्सिबल की भी एफिशिएंसी कार्नोट ज्यादा हो सकती है. कार्नोट की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है जब हम कंपैरिजन करते हैं वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट. तो इन तीनों ऑप्शन में कहीं भी टेम्परेचर लिमिट का जिक्र ही नहीं किया है. तो इसी कारण से इसका बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा जाएगा. बी ओनली वन. ध्यान रखिएगा बहुत कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन था. बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट इन अ थर्मोडायनामिक हीट एंड वर्क आर. कितनी बार क्लास में बता चुके हैं हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन. दोनों पाथ पे डिपेंड करता है. दोनों सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है. दैट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर एंड पॉइंट्स. थर्मो फ्लास्क इज अ. थर्मो फ्लास्क जब होता है बात करेंगे तो जब उसमें हमने मास बंद कर दिया तो अब ना तो मास बाहर जाएगा ना ही एनर्जी बाहर जाएगा. तो थर्मो फ्लास्क हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम. थर्मो फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. क्लियर. अब क्या बोल रहे हैं आपको कि द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम द ओर्स. सल्फर को ओर से हटाना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या. रोस्टिंग. ध्यान रखिएगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग. ये क्वेश्चन 11 12 का है. मैकेनिक्स का प्रॉब्लम. जब मैकेनिक्स बनाते होंगे तो मैकेनिक्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते होंगे. अब क्या है कि ये अभी फ्रिक्शनलेस है. अगर हम बात करें तो एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस है. ठीक है. अब देखिए ध्यान से यहां पे एक फोर्स लग रहा है कितना mg. ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60. तो अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर mg cos 60 इधर mg sin 60. अब इस ब्लॉक को a एक्सेलरेशन से मूव करवाया गया है. डिलंबर्ट लगाइए f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब ये 60 तो ये 30 तो ये 60. तो इधर कंपोनेंट जाएगा तो कितना जाएगा एम ए कॉस 60. अगर बॉडी को रहना है रेस्ट में तो दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए. मतलब क्या एम जी साइन 60 इक्वल्स टू एम ए कॉस 60. तो एम से एम हो गया कैंसिल. तो ए इक्वल्स टू हो गया जी साइन 60 बाई कॉस 60. एंड साइन 60 बाई कॉस 60 होता है 1060. तो ये हो गया आपका a इक्वल्स टू g root 3. ये आपने बचपन में पढ़ा होगा जब 11 12th क्लास में. तो मैकेनिक्स में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करते थे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपको, देखिए ध्यान से. इफ एस इज स्ट्रेन एंड वाई इज यंग्स मॉडुलस, वाई इज यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होता है अगर किसी ने पूछ दिया, ठीक है, तो बात करते हैं कि यह स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस वाई. ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिएगा. अब अगर हम बात कर रहे हैं क्या कि स्ट्रेन या यंग्स मॉडुलस इक्वल्स होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की वैल्यू है एस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई. सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स टू एस वाई. और क्या पूछ रहा है, एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल्स टू होगा आपका हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. तो अगर यू की बात करें तो हाफ स्ट्रेस की वैल्यू आपने निकाल रखा है कितना, एस वाई, और इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, एस, कितना आ गया, एस स्क्वायर वाई बाय टू, एस स्क्वायर वाई बाय टू. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. क्वेश्चन नंबर 46 के बाद हम लोग चलते हैं 47 की तरफ. 47 की तरफ देखिए ध्यान से कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन देखिए पहले फिर बात करेंगे. बोल क्या रहा है कि अब एक बॉल है जिसकी डेंसिटी कितनी है रो, और यहां पे दे रहा है आपको कि रो सबसे कम है ऑयल की, मतलब सबसे हल्का कौन है, ऑयल, इसके बाद लिक्विड और इसके बाद वाटर. तो अगर ऐसे बात करें तो सबसे पहले अगर एक कंटेनर बनाए तो इस कंटेनर में सबसे पहले होगा वाटर, इसके बाद ये होगा लिक्विड और इसके बाद होगा ऑयल, और जो बॉडी है उसकी डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर है. तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी पहले पूरे के पूरे लिक्विड ऑयल में तो सिंक कर ही जाएगा, साथ साथ लिक्विड में भी सिंक करेगा, बॉडी का टॉप सरफेस इसको टच करेगा और इसके बाद बॉडी फ्लोट करेगी. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है सी, टॉप सरफेस जो है बॉडी का और लिक्विड का जो फ्री सरफेस है दोनों एक दूसरे को टच करेगा. तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है आपको, थ्रू विच द वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज दे रखा है आपको, बोला गया ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द वॉटर, द डाया ऑफ द वॉटर वॉटर स्ट्रीम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 × 10⁻¹. मतलब हम यहां और यहां की बात कर रहे हैं, दोनों को गैप आपको दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको डायमीटर पूछ रहा है. तो आप लगाओ ना a1 v1 equals to a2 v2. तो a1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो पाई बाई 4 × d1, तो 12 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, तो a1 हो गया आपका इंटू वी वन वन इक्वल्स टू ए टू पाई बाई 4 × d2² जो कि आपको फाइंड आउट करना है इंटू वी टू. अब वी टू भी आपको नहीं पता है तो अब करना क्या पड़ेगा, वी टू निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा बर्नौलीज इक्वेशन. तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर बात करें तो प्रेशर तो दोनों जगह सेम है, तो लिखाइए सीधा v1² / 2g और प्लस z1 इक्वल्स टू क्या, v2² / 2g और प्लस z2. अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, v1 इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 1/2 × 9.81 प्लस इसको हमने रेफरेंस लाइन ले रखा है, तो अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है कितनी, 4 × 10⁻¹, मतलब 0.4 इक्वल्स टू हो गया v2² / 2g और प्लस 0, क्योंकि यहां से यही का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, सो दैट इज 0. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v2, और जब v2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, d2d की वैल्यू,
डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया था ये। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज करते हैं गैस लिक्विफिकेशन में या गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ठीक है ध्यान रखिएगा, या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयरक्राफ्ट में, तो इसका आंसर क्या होगा, गैस लिक्विफिकेशन सिस्टम, गैस लिक्विफिकेशन सिस्टम, क्योंकि बाद बाकी जगह पे हम VCRS यूज करते हैं, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCRS। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो डिपेंड्स अपॉन, दैट डिपेंड्स अपॉन किस पे, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के टाइप्स पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना आपको इस चीज। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड फॉर बॉन्डिंग द मटेरियल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील्स, ग्राइंडिंग व्हील्स के बॉन्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, पूछा है तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट वी आर यूजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए ध्यान से, फॉर मेजरमेंट ऑफ डैश अ डायनोमीटर डिवाइस इज यूज, बोला क्या, वियर ऑफ द कटिंग टूल्स मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डायनोमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो का आपसे एग्जाम्पल पूछा है, लैमिनार फ्लो क्या होता है, कई बार बताया गया आपको कि फ्लो जो है वो अगर लेयर बाय लेयर होता है तो दैट फ्लो इज नेम्ड एज लैमिनार फ्लो, लेयर बाय लेयर फ्लो इज नोन नेम्ड एज लैमिनार फ्लो, कई बार बता चुके हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर तो फ्लो पास्ट अ टिनी बॉडी, बहुत स्मॉल बॉडी की बात करते हैं, फ्लो कैसा होगा, लैमिनार, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं हम अंडरग्राउंड वाटर, बहुत सॉइल से जो रिसाव होता है वो भी बहुत पोरस होल से होता है, द फ्लो ऑफ ऑयल इन मेजरिंग डिवाइस, तो ये तीनों लैमिनार फ्लो का एग्जांपल है, तो ऑल ऑफ द अबव, मोर देन ऑफ द नहीं, और सब सारे सही हैं, सारे वैल्यूज जो है वो सही हैं। नेक्स्ट, रिनॉल्ड्स नंबर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्सिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स इज नेम्ड एज रिनॉल्ड्स नंबर, रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू, इनर्सिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स इज रिनॉल्ड्स नंबर, इनर्सिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, देखो टोटल फोर्स जो होते हैं वो होता है प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स। अगर हम टर्बुलेंस फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं तो रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है, मतलब विस्कस फ्लो के लिए आप यूज कर सकते हैं, टर्बुलेंट फोर्स तो आपने कंसीडर ही नहीं किया है तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 56, व्हेन थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 36 mm देन द डाया ऑफ द रिवेट is used in joint is 36 mm, उससे छोटा तो यूज नहीं करेंगे, 36 mm ही यूज करते हैं। The size of the gear usually specified by, size कैसे specify करते हैं, तो pitch circle से करते, sorry, हाँ pitch circle से करते हैं, ध्यान रखिएगा pitch circle diameter से, अगर यही cam रहता तो उसे करते हैं base circle से, ठीक है, तो यहां हो गया pitch circle diameter, D option is correct। Next, Which of the following is a fire tube boiler? Fire tube boiler वो boiler है जिसमें fire tube के अंदर flow करता है और fluid water जो है उस tube को surround किए रहता है। तो अब ये जानिए आप ध्यान से कि Benson boiler जो है वो आपका water tube boiler है, इसके कहते हैं super critical boiler, Babcock and Wellox boiler, Loeffler boiler, ठीक है, ये सब आपका क्या है, आपका water tube boiler। लोकोमोटिव एंड लैंका साइड बॉयलर आर फायर ट्यूब बॉयलर, लोकोमोटिव एंड लैंका साइड बॉयलर आर फायर ट्यूब बॉयलर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। नेक्स्ट 59, इन रेडियल कैम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स और ऑक्सीलेट्स, देखिए ध्यान से, कैम अगर रोटेट कर रहा है तो यह ऑक्सीलेट करेगा, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
डी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. 60, अच्छा 60 नहीं है, 62 है सीधा. ये इलेक्ट्रिकल वाले सर आपसे डिस्कस करेंगे. अ गर्ल इज स्टैंडिंग विथ अ स्ट्रेच्ड हैंड. एक लड़की है वो हाथ फैला खड़ी है एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर. मतलब एक प्लेटफॉर्म ऐसे रोटेट कर रहा है और वो लड़की जो अपना हाथ फैला के खड़ी है, ठीक है, दोनों हाथ फैला के, अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, क्योंकि रोटेशन है तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या आई वन ओमेगा वन स्क्वायर. कितना दिया हुआ है आपको? 90 किलो जूल. अब देखिए ध्यान से, द गर्ल नाउ फोल्ड द आर्म. अपना बांह मोड़ लेती है. जैसे ही बांह मोड़ेगी तो अब मोमेंटम लगाओ तो बोला गया कि मोमेंटम जो है वो आपका 1/4 हो जाता है. मोमेंटम जो है वो कितना हो जाता है? 1/4. तो अगर हम बात करें आई वन ओमेगा वन स्क्वायर इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू स्क्वायर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा सकते हैं. तो अभी पहले कितना था? आई वन ओमेगा वन. अब कितना है? आई वन जो है वो अब 4th हो चुका है. 4th, ध्यान देखो, ध्यान दो, 1/4. तो आई वन बाई 4, तो अब क्या हो जाएगा यहां पे? एक ओमेगा 2. तो आई वन आई वन कैंसल, तो ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 बाई 4. अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई 2, मतलब क्या हो गया? आई 1 बाई 4 और ओमेगा 2 स्क्वायर. तो ओमेगा 2 स्क्वायर की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं? 4 ओमेगा 1 का स्क्वायर. तो ये हो गया 16 ओमेगा 1 स्क्वायर. तो इक्वल्स टू हाफ आई 1 इंटू 4 ओमेगा 1 स्क्वायर. अब देखो हाफ आई 1 ओमेगा 1 स्क्वायर का वैल्यू 90 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 90 कितना? 360 किलो जूल. 360 किलो जूल इज करेक्ट आंसर. ये कंजर्वेशन मोमेंट, ये भी आपका 12th के फिजिक्स का, 11th 12th का फिजिक्स उठा लिया था, जनरल मैकेनिक्स की बात कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 के बाद कौन सा क्वेश्चन है अपने पास में? 63. क्वेश्चन नंबर 63 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था. ये बोला कि 4 केजी आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 4 केजी पानी के साथ मिक्स किया गया जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. द फाइनल अमाउंट ऑफ द वाटर कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ कुछ वाटर जो है वो मेल्ट कर जा रहा है और कुछ कुछ आइस मेल्ट कर गया और कुछ आइस जो कत्यो रह गया. तो अगर हम इसकी हीट की बात करें तो कितना हो जाएगा? एम 4 केजी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी और इंटू टेम्परेचर 30, तो कितना हो गया ये? 120. अगर आइस जीरो पे आएगा तो इस टाइम में कितना हो गया? 4 इंटू सी कितना? 0.5 और इंटू डेल्टी कितना? 20. तो ये हो गया आपका 40. तो चेंज इन हीट कितना आ गया? अगर चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन हीट की बात करेंगे तो ये आ गया आपका 120 माइनस कितना? 40, मतलब आ जाएगा ये 80. अब देखो यहां पे m इंटू एल इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? 80. तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l दिया हुआ 80, तो m इक्वल्स टू हो गया 1 केजी. तो 1 केजी एक्स्ट्रा मेल्ट हो गया और 4 केजी तो पहले से था, तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 केजी. टोटल हो जाएगा 5 केजी. टोटल हो जाएगा 5 केजी, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिएगा ध्यान से. एन एडजेसेंट ग्राफ शोज द एक्सटेंशन डेल एल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ एट वन एंड विथ अ लोड कनेक्टेड टू द अदर एंड. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज दिया हुआ है. द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर पूछ रहा है आपसे. तो यंग्स मॉडुलस आपको निकालना है तो बाद की बात है, पहले तो देखो डेल बराबर क्या होता है. तो डेल इक्वल्स टू होता है PL अपॉन A, और यही E की वैल्यू आपको निकालना है. इसी E की वैल्यू आपको निकालना है. तो डेल की वैल्यू कितनी? 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू 40
इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू ई. सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, 5 इंटू 10 टू द पावर 11. 5 इंटू 10 टू द पावर 11. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट 65 की तरफ चले. 65, अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर दे रखा आपको, इज 2 मीटर एंड मास 29.1 केजी. ये जो रॉड है इसका मास दिया हुआ 29.1 केजी, इज हिंज्ड एट पॉइंट ओ. इस पॉइंट पे हिंज किया गया है. तो अगर कोई पूछ दे इसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी, तो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगी इसकी जीरो. इसकी इनिशियल मोमेंटम हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये मूव करेगा नहीं. अब क्या हुआ कि इसको ये बुलेट आके टक्कर मारा, बुलेट बी मान लेते हैं. तो बुलेट की मोमेंटम कितनी होगी अगर बात करें तो मोमेंटम की अगर बात कर लें पी वन की, तो ये हो जाएगी आपकी मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट और इनटू लेंथ. मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम. तो मास ऑफ बुलेट आपको दिया हुआ 300 ग्राम, तो 0.3 हिट्स द रॉड एज सोन इन द फिगर, द बुलेट सेट्स एम्बेडेड इन द रॉड. ठीक है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर इंपैक्ट. इंपैक्ट के जस्ट बाद की बात कर रहा है. क्लियर? तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो कितना हो जाएगा ये 60 मीटर पर सेकंड दिया हुआ आपको, और लेंथ भी दिया हुआ आपको रॉड का. रॉड का लेंथ दिया हुआ है कितना, 2 मीटर. तो ये आ जाएगा आपका 6 × 3 = 8 = 36. मोमेंटम निकल गया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम 36. टकराने के बाद अब सुनो क्या हुआ इसका, इसमें भी आएगी वेलोसिटी. तो हिंज के अबाउट लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ml² / 3. ऐसे होता है ml² / 12. ठीक है, एक्सेस थ्योरम लगाइए तो क्या हो जाएगा ml² / 3 और प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू l² और इनटू लिख दीजिए ओमेगा और लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जैसे इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 है यहां पे, 36 इक्वल्स टू हाफ सॉरी 1/3 इंटू मास कितना है 29.1 इंटू लेंथ 2, तो 2² और प्लस 0.3 इंटू 2² और इंटू ओमेगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा कितना आएगा, 0.9 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो ये मैकेनिक्स का बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये मैकेनिक्स का. ये हो गया 65. चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66. ये थर्मोडायनेमिक्स का फिर से क्वेश्चन आ गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन इन सेंस ऑफ ये कि यहां पे कंफ्यूज कर दिया वीटी डायग्राम देके. पीवी डायग्राम नहीं दिया ये, वीटी डायग्राम दे दिया. 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन इनिशियल स्टेट ए अंडरगोज अ प्रोसेस ए बी सी ए एज सोन इन द फिगर. इट्स प्रोसेस एट इट्स प्रेशर एट ए इज पी नॉट. ए पे जो प्रेशर है वो कितना आपका पी नॉट. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है. तो देखो इंटरनल एनर्जीज एट ए एंड बी आर सेम. इंटरनल एनर्जी सेम होगा, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. तो जो टेम्परेचर ए का है वही टेम्परेचर बी का है. तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होगा. तो पहला तो सही है. प्रेशर एट सी इज पी बाई फोर. क्यों सी पे प्रेशर पी बाई फोर क्यों होगा. वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ए बी इज पी नॉट वी नॉट. अब देखो ए बी कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल. तो आइसोथर्मल में क्या होता है, पी वन वी वन एलएन वी टू बाई वी वन. तो पी वन कितना है पी नॉट, ठीक है, वी नॉट एलएन वी टू 8V0/V0 कैंसल. तो ये भी सही है आपका. तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. बी सॉरी डी ऑप्शन इज करेक्ट. बी नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट.
ए भी सही है और सी भी सही है. बहुत आसान सा था, कलम भी यूज नहीं करना था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल चेंजेस विथ वेट. नहीं, विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है. और कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. पेल्टन व्हील इज अ टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन. बिल्कुल आपको याद रखना है, पेल्टन व्हील टर्बाइन जो है दैट इज टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं 76 की तरफ. सेवेंटी फाइव भी देख सकते हैं. 75. फिजिकल क्वांटिटी बल्क मॉडुलस प्रेशर होता है. नहीं, बल्क मॉडुलस के बराबर होता है डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई वी. तो ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो जो यूनिट प्रेशर का होगा वही यूनिट बल्क मॉडुलस का होगा. तो इसका तो पहला ही सही है. ठीक है ना. डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइस. ये फ्रिक्शन है आपका. ठीक है ना. चलिए आगे देखिए ध्यान से. फाइंड द मिसमैच काइनेमेटिक विस्कोसिटी. इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो क्या हो गया? L2T-1. ये सही मैच है. डायनामिक विस्कोसिटी यूनिट होती है केजी पर मीटर सेकेंड. तो केजी हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन. तो ये मिसमैच है. यहां होना चाहिए क्या? एम एल माइनस वन टी माइनस वन. तो बी इज द करेक्ट. बी इज द करेक्ट. ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके. किसके? अब जैसे वॉटर हैमर्स अकर्स इन, तो वॉटर हैमर कहां होता है? पेन स्ट्रोक में. उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग सर्च टैंक यूज करते हैं. तो ये कुछ बेसिक इंजीनियरिंग के मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने आपसे डिस्कस किया. अब आप वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि आपके कितने सही हैं. Okay, thank you from my side. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.